नमस्कार दोस्तों दोस्तों इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है या यूं कहिए कि जब उसका आखिरी समय होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी गलतियां, उसके अच्छे काम, उसके बुरे काम सब उसे याद आते हैं। और ये सबके साथ होता है। जावेद अख्तर को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनके पिता जानिसार अख्तर बहुत ही मशहूर अपने ज़माने के शायर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत दिए हैं। और इसके अलावा भी उनकी शायरी बहुत अलग तरह की पहचान रखती है। तो आज जो मैं आपके साथ उनकी एक नज़्म शेयर करने जा रही हूँ, ये उनकी आखिरी समय की लिखी हुई है, आखिरी मुलाकात। और इससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अख्तर साहब, जानिसार अख्तर साहब अपनी पत्नी से शादी के बाद लगातार वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहे, उनसे दूर रहे। वो अलग बच्चों के साथ रहती थी और जानिसार अख्तर साहब अलग अपने स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में। और 7-8 सालों के बाद उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है और उनके अलग रहने की वजह कुछ भी नहीं थी, बस वो अपने बच्चों के साथ भोपाल में थी और अख्तर साहब मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। ये बात तब जानिसार अख्तर साहब को इतनी फील नहीं हुई, लेकिन जब वो उनको छोड़ के चली गई तब उन्होंने उनकी कमी को बहुत महसूस किया। और आखिरी मुलाकात नज़्म पढ़ते हुए मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि उन्हें आप जब इस नज़्म से गुजरेंगे तो आप देखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से जो जुदाई थी उसकी भी इसमें आपको कहीं ना कहीं जुदाई की खुशबू आप महसूस करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप उनकी पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आखिरी मुलाकात। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। दो पांव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर, कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से, ये एक कहानी नींद भरी, एक तख्त पे बैठी एक परी, कुछ गिन गिन करते परवाने, दो नन्हे नन्हे दस्ताने, कुछ उड़ते रंगी गुब्बारे, बब्बू के दुपट्टे के तारे, ये चेहरा बन्नो बूढ़ी का, ये टुकड़ा माँ की चूड़ी का, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। अलसाई हुई रुत सावन की, कुछ सौंधी खुशबू आंगन की, कुछ टूटी रस्सी झूले की, एक चोट कसकती कूल्हे की, सुलगी सी अंगीठी जाड़ों में, एक चेहरा कितनी आड़ों में, कुछ चांदनी रातें गर्मी की, एक लब पे बातें नरमी की, कुछ रूप हंसी काशानों का, कुछ रंग हरे मैदानों का, कुछ हार महकती कलियों के, कुछ नाम वतन की गलियों के, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। कुछ चांद चमकते गालों के, कुछ भवरे काले बालों के, कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नरम लकीने काजल की, एक खोई कड़ी अफसानों की, दो आंखें रोशन दानों की, एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी, एक छल्ला फीकी रंगत का, एक लॉकेट दिल की सूरत का,
रुमाल कई रेशम से कड़े, वो खत जो कभी मैंने ना पढ़े, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं खुद ना जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं, कुछ उजड़ी मांगे शामों की, आवाज़ शिकस्ता जामों की, कुछ टुकड़े खाली बोतल के, कुछ घुंघरू टूटी पायल के, कुछ बिखरे तिनके चिलमन के, कुछ पुरजे अपने दामन के, ये तारे कुछ थर्राए हुए, ये गीत कभी के गाए हुए, कुछ शेर पुरानी गजलों के, उनवान अधूरी नज़मों के, टूटी हुई एक अशकों की लड़ी, एक खुश कलम एक बंद घड़ी। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद ना जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। कुछ रिश्ते टूटे टूटे से, कुछ साथी छूटे छूटे से, कुछ बिगड़ी बिगड़ी तस्वीरें, कुछ धुंधली धुंधली तहरीरें, कुछ आंसू छलके छलके से, कुछ मोती ढलके ढलके से, कुछ नक्श हैरा हैरा से, कुछ अक्स लर्जा लर्जा से, कुछ उजड़ी उजड़ी दुनिया में, कुछ भटकी भटकी आशाएं, कुछ बिखरे बिखरे सपने हैं, ये गैर नहीं सब अपने हैं। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूँ, कुछ इतने धुंधले साए हैं।